लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें मेरे भाई के लिए, सुमित के लिए। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज आज थोड़ा लेट हो गए, तैयार वैर हो गए हैं और अभी का समय लगभग 8:05 हो रहा है। और दोस्तों आज भी फटाके फोड़े जा रहे हैं, मतलब दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली का फटाका फूट ही रहा है दोस्तों। सो दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पहले देख लो, वीडियो बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों आप सभी का सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो ना कमेंट नहीं करते हो। सो दोस्तों एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक का बटन दबाने में किसी का कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। और दोस्तों आज की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना। सो दोस्तों आज की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, आप भी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अभी का समय 7 बज रहा है दोस्तों और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सजाए थे हम जो सजावट के लिए लाए थे। और आज का डेट है 26। सो दोस्तों यहाँ बना था रंगोली और आप सभी को दिख रहा होगा संजय मार्केट का सीन कुछ इस तरीके का है। अभी मतलब अभी शाम के 7 बजे तो पूरे लोग चले गए। दोस्तों बहुत दिनों से मैं राउंड मारने वाला वीडियो नहीं बनाया था तो मैं आज सोचा राउंड मार लेता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हो हर जगह पर सजाया गया है और फटाका तो फोड़े ही जा रहे हैं अभी भी, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा लेफ्ट साइड, और हमारे राइट साइड आपको दिख रहा होगा जहाँ सेकेंड हैंड बाइक वाइक मिलती है, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में भी एक वीडियो में दिखाया था। सो अपन तो पूरा राउंड मार रहे हैं क्योंकि आप सभी को दिखा रहा हूँ ये लाइन गैरेज का, जो कि दंतेश्वरी मंदिर के राइट साइड का है, जहाँ गैरेज ही गैरेज मिलेगा आप सभी को। और अभी भी खुला हुआ है, लगभग 9 बजे तक खोले रहते हैं गैरेज। और आप देख सकते हो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है क्योंकि दिवाली का नींद वींद सब चीज़ है तो बाकी बहुत सारे लोग बंद बंद करके अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बंद हो जाता है। और दिवाली के पहले तो मतलब सोचो मत कि डेली रात रात तक खुला रहता था। और ये दंतेश्वरी मंदिर के सामने का सीन है और आप देख सकते हो अभी का समय लगभग 7:30 हो रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का है। इधर तो भीड़ लगा ही रहता है हर समय क्योंकि इधर गुपचुप चाट वाट मिलता है तो इधर भीड़ लगा ही रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, मतलब मस्त लगता है इधर, अच्छा लगता है। और आप सीन तो देख सकते हो मस्त है, इधर तो भीड़ रहेगा ही, आपको गोल बाजार लाइन में आपको भीड़ दिखेगा ही। ट्रैफिक का कितना वो है तो आप सोच ही सकते हो कि हर जगह ट्रैफिक टाइप का भर जाते हैं लोग, चलना मुश्किल हो जाता है, बाइक स्कूटी चलाना मुश्किल हो जाता है, मेरे को तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, एक हाथ से ही चलाता हूँ मैं क्योंकि हेलमेट में है ही नहीं, हेलमेट नहीं है मेरे पास और हेलमेट में लगाने के लिए बाकी सामान भी नहीं है। तो गोल बाजार का सीन कुछ ऐसा है अभी का। हम जा रहे हैं अभी बोनू भैया के घर, उनके घर में बैग वैग छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बैग छोड़ेंगे तब जाके हम अपने घर की ओर ही जा पाएंगे। सो पहले वहाँ चलते हैं। और मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा, तो वो गैरेज जाएगी पहले गैरेज जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये अपना जैन मंदिर रोड लेफ्ट साइड, जो कि आपको दिखा चुका हूँ, संतोष रहता है वहाँ पर। सो दोस्तों वो अपने लाइन पर तो आ गई है स्कूटी और देखते हैं क्या होता है। सो भैया लोग यहाँ बैठे हैं तो स्कूटी का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है कम है वो बता नहीं पा रहे, क्योंकि जब तक खोलेंगे नहीं, चेक नहीं होगा तब तक बता नहीं पाएंगे हुआ क्या है। और दोस्तों खोल दिए, इसका प्रॉब्लम ये है कि इंडिकेटर जल ही नहीं रहा था। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था शायद कि इसका इंडिकेटर जल ही नहीं रहा था, तो मैं इंडिकेटर बनवाने आया था, कुछ प्रॉब्लम निकला, वो सामान ख़राब था तो मैं वो चीज़ चेंज करवाने के लिए बोला, मतलब भैया अभी चेंज ही करवा दिए, जो कि आपको बैटरी के साइड में ब्लैक कलर दिख रहा होगा वो चीज़ ख़राब हो चुका था तो उसको चेंज करवाए, तो उसका प्राइस लगभग 90 रुपया लगा दोस्तों, 90 रुपया लगा उसको प्राइस चेंज करने के लिए। और आप देख सकते हो प्रतापगंज पारा में ये चीज़, मतलब ये गैरेज है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले वीडियो में दिखाया था। और शिवम भैया तो देख सकते हो। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई का यूट्यूब चैनल, इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें मेरे भाई के लिए, सुमित के लिए। जैसे कि आप सभी को भैया ने कहा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, भाई का चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो ये ऐसा बात ना मोटिवेट करती है, मतलब खुद को मोटिवेट करती है, कोई हमारे लिए कुछ दो शब्द बोल रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज के इस ज़माने में आप जान ही सकते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो लोग डीमोटिवेट करने में उतर आते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, करना कोई बात नहीं, बस जो गलती
होती है उसको सुधारना, आगे बढ़ना, आगे निकलना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलती है। और दोस्तों अभी हम मेन रोड पर है, स्कूटी तो पूरा बन चुकी है और देखते हैं आगे जाके चेक करेंगे स्कूटी बना नहीं बना, प्रॉपर तरीके से बना नहीं बना। यहाँ तो चेक कर लिए लेकिन कुछ दूर चलाने के बाद फिर से चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हो कुछ बेहतरीन सा सजाएगा, मतलब हर बिल्डिंग सजा हुआ है, मतलब झालर से मस्त सजा हुआ है, दुल्हन की तरह हर बिल्डिंग को सजाया गया। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा ही बिजी था मैं, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया बाकी चीज़ों का, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी था तो मुझे समय ही नहीं मिला ये सब वीडियो वीडियो बनाने के लिए। और अभी तो लाल बाग पर है जो कि आपको दिख रहा होगा, मेरे लेफ्ट साइड पर एक मोमोज का ठेला लगता है, एक लौंडे मन मतलब दो लड़के मन लगाते हैं तो वहाँ पर अच्छा बनाते हैं। एक बार टेस्ट किया रहा संतोष के साथ, टेस्ट किए रहे मस्त बनाता है, आज भी खाने का मन था लेकिन वो बंदे लोग है ही नहीं। और अभी तो हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं, तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। सो दोस्तों हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं, आज का अभी का समय लगभग 8:30 बज रहे दोस्तों, क्योंकि गैरेज में थोड़ा सा समय लग गया बाकी चीज़ों को खोले चेक किए। और भैया तो ऐसे हैं कि बाकी प्रॉब्लम भी पूछे, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे बनाएंगे। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं बस माइलेज का प्रॉब्लम है, माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम दे रही है। तो भैया भी बोले 2-4 दिन और चला लेना, बाकी माइलेज को भी सेट कर देंगे अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा लगता है यार आसपास मोहल्ले, मतलब जहाँ भी जितना दूर तक देखूँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिले। और दोस्तों अभी तो आप देख सकते हो चौक के पास हो, सिग्नल वाला चौक, ये रहा मेरी स्कूटी। और अभी चेक करते हैं स्कूटी में क्या प्रॉब्लम था, उस चीज़ का सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ। तो जल तो रहा है लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, देखते हैं कितना देर तक चलता है या फिर कल भी जलता है नहीं जलता है, क्योंकि बार बार जल रहा था, बंद हो रहा था पहले, तो अभी तो बराबर जल रहा है। और स्कूटी में अभी तो पेट्रोल है, घर जा सकते हैं, पेट्रोल नहीं होने की बात नहीं, पेट्रोल है जा सकते हैं। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, अभी सिग्नल पर हम रुके हुए हैं। मैं तो स्कूटी चला रहा हूँ लेकिन सामने का रोड मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है, तो मैं सोच रहा था कैसे मैं क्लियर दिख रहा है, तो पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक कार आ रही थी, पीछे से एक कार SUV, तो पूरा लाइट उसी का ही था। और अभी एक बाइक आ गया, इसका भी लाइट है, तो पूरा प्रॉपर सामने क्लियर दिख रहा है। तो मैं बहुत दिनों बाद ये अंधेरे रोड पर। सो दोस्तों फाइनली अपन पहुँच चुके हैं अपने घर, और अभी का समय लगभग 9:30 बज रहे हैं दोस्तों, गैरेज में समय लग गया अपना स्कूटी बनाने में। और स्कूटी का प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था, इंडिकेटर कहीं नहीं जल पा रहा था, मतलब जल ही नहीं रहा था इंडिकेटर। तो क्या है, एक हाथ में स्कूटी वैसे भी चलाता हूँ और कहीं इंडिकेटर नहीं जलाऊँ तो प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं से पीछे से आया सामने से आया ठोक के निकल गया, तो इसलिए इंडिकेटर बनाना ज़रूर था। 90 रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी, तो पहले स्कूटी बनाना बड़ी बात थी, अपनी जान बड़ी बात है। सो दोस्तों पहले वो चीज़ कंप्लीट हो गई, सभी चीज़ अच्छे से हो गई, बस माइलेज का प्रॉब्लम है स्कूटी में, माइलेज भी करवा लेंगे 2-4 दिन में, भैया तो बोले हो ही जाएगा, कर लेंगे और भी बढ़वा देंगे करके। और दोस्तों अभी खाना वाना कुछ भी नहीं हुआ है, बस ब्लॉग को एडिट करने का सोचा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद लगभग बैठ के एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा रात तक हो रहा था, अभी लगभग 9:30 बजे पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों पहले ब्लॉग को एडिट कर लेते, बाद में खाना वाना खाएंगे। आई होप गाइस कि वीडियो आप पूरा देख चुके होंगे, वीडियो पूरा देख चुके और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। और दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।